आप उज्ज्वला के तहत जो है आपको गैस नहीं मिला है? कुछ नहीं, आवाज सबको बनाई है तो हम तो घर भी हम लोग को तो आवाज भी नहीं आया है। अच्छा, आप अप्लाई की थी, फॉर्म भरी थी? हाँ हाँ सब किए थे। किस किस चीज़ के लिए फॉर्म? गैस का और ये आवाज का, एक बार पहले ही भराया था तब भी नहीं आया। अच्छा, तो ये बताइए कि जो है चूल्हा पर खाना बनाने में दिक्कत होती है? हाँ भैया, आँख हमारे खुद ही खराब, हम चश्मा लगा ले बच्चों की दवाई करके, लड़की बनाओ लेकिन खाना ना बने धुआं में। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो है पूरे गांव गांव में जो है उज्ज्वला, ये बात सही कहता है, ये गांव में ना भल देखा, दुई आदमी बस यहाँ मिल रहा गैस और बाकी लोग के ना मिल रहा। उज्ज्वला स्कीम जो है मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी गैस सिलेंडर बांट रहे हैं लोगों को, जो है स्कीम निकला है, सिलेंडर मिल रहा है खाना पकाने के लिए, आपको मिला है? ना। खाना किस पर बनाती हैं? ये मट्टी के चूल्हा पर बनाते हैं। तो सिलेंडर के लिए कभी किसी ने कुछ कहा नहीं आपसे कि गैस सिलेंडर मिल रहा है भरवाने के लिए? ना। अभी हर प्रचार करते हैं तब कहलो हो, अब हमें पता नहीं रहल कहाँ हो, तो ये सब को मालूम नहीं रहल किसी को ही, अब चूल्हे पर बनत बा। तो ये बताइए कि आपने कब अप्लाई किया था गैस के लिए? अरे परसाल ठंडी में हुआ था, अभी न सबका निकला, दो तीन महीना बाद, पाँच छः महीना बाद हम लोग का ही बनाई किया, बल्कि नामा नहीं है तुम लोग का। बताएं क्या प्रधान जी, मतलब क्यों नहीं नामा है? प्रधान ना बता, जहाँ गैस मिला था लंका पर वहाँ सब पता कर ले, बल्कि आप लोग का ही लेना, नामा नहीं है। जैसे हमारा काम चल जाता जैसे देना भराई लकड़ी पर भी बनाती है, महंगाई बता रही थी आप, मतलब जो है मुश्किल पनी बात। हमको जौन फायदा हला, जौन सुविधा वही अपन काम करी ले। कैसे का काम कर ले तो बताइए। जैसे मतलब कि गोहरी पर गाय गोरु हैं तुम का करो, गोहरी गोबर घरे कहो तो लगेबो करो, जब परेशानी रहला तो भरा ले ला। सस्ता पड़ता होगा आपको। सिलेंडर कितना पड़ता है? अब सिलेंडर तो मान ले 1,950 रहला, तो अपने अनुसार भर खर्चा करी ला। टॉयलेट, आपको टॉयलेट नहीं बना है? नहीं, खेत में जाइला। तो ज्यादातर सब लोग आपके जो है अगल बगल में किसी को नहीं मिला है? नहीं, एक ठे मिला हमारे बड़ जेठाऊ जन है उनके मिला लो, वद देहा हमारे पास ना हला ना लाइट ना बात। तो ज़्यादातर गांव वालों का कहना ये है कि जो भी स्कीम है यहाँ पे, ज़्यादातर गांव में जो है कनेक्शन दे दिए गए हैं बिजली के, पर जो है वहाँ पर उसको मेन पोल से कनेक्ट नहीं किया गया है, किसी के घर में जो है वो बिजली है, किसी को नहीं मिला है। बहुत सारी स्कीम का भी यही हाल है, लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। गाँव के लोग जो है काफ़ी नाराज़ हैं मोदी जी से, उनका कहना ये है कि प्रधानमंत्री जिस कंस्टिट्यूंसी में आते हैं उस गाँव का, उस जगह का ये हाल है, तो बाकी शहरों का और बाकी जगहों का क्या हाल होगा? देख लीजिए ये रोड, देखिए दिखाइए ना उसको भी, रोडों को गढ़ा हो गया, वो सब पैसा उतार उतार कर रोड बनवा रहे हैं। कौन रोड बनवा रहे हैं? अरे गांव के लोग, वो गांव के लोग बनवाए हैं, पैसा उतार उतार, चंदा उतार उतार कर। बताइए कि जहां के सांसद खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, वहां की जनता को पैसा उतार कर रोड बनवाना पड़ रहा है। बताइए ये लोग, आप लोग प्रचार करें तो दिखाइए, या जरूर दिखाइए रोड 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 को दिखाइए। ये देखिए जितना स्कीम है मोदी जी का, उज्ज्वला से लेकर के, तो हम लोगों की तरफ कहाँ कोई मिला उज्ज्वला, चाहे आयुष्मान, देखिए मीटर लगा दिए हैं, जहाँ फ्री फ्री लाइन में मीटर लगा दिए, चले दिखा दिए, अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ। बिजली नहीं आया आपके गांव में? नो, बिजली तो है मगर जो गरीबों के लिए मिला है उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना जो जिसके तहत लाइन, वह तो मीटर लगा के चले गए मगर वहाँ तो केबल तक भी नहीं फंसाए हैं। समस्या तो हम लोग के रहने का पानी का साधन सही नहीं है। क्या पानी पीने का नहीं? अरे किसी प्रकार हम लोग चंदा लगा के देखिए लगवाए चापाकल, यहाँ की पब्लिक देखिए पी रही है हमारे बाड़ा में, और वो भी पानी मुंह में नहीं जा रहा है, महक रहा है। तो यहाँ की देखिए सड़क थी, इतना पानी लग जाता था, तो किसी के प्रकार हम लोग देखिए चंदा लगा लगा के वो सब बनाए, उतना अभी थोड़ा सा बाकी पैसा रह गया चंदा, तो उसको मतलब ऐसे सिलाफ कर दिया जाए कि पब्लिक की गाड़ी आवे जाए।